यस हेलो एवरीवन, प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि मार्जिनल कॉस्टिंग के अंडर आपकी इनकम स्टेटमेंट कैसे बनाई जाती है एंड हाउ वी कैलकुलेट द प्रॉफिट और लॉस फ्रॉम दैट गिवन स्टेटमेंट. नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व वन प्रैक्टिकल क्वेश्चन ऑफ द सेम. द क्वेश्चन सेज, फ्रॉम द गिवन इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट नेट प्रॉफिट अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग. सो यू हैव टू कैलकुलेट नेट प्रॉफिट अंडर विच कॉस्टिंग, मार्जिनल कॉस्टिंग. द क्वेश्चन सेज, वी हैव प्रोडक्शन 40,000 यूनिट्स, सेल्स 30,000 यूनिट्स. मतलब हमने प्रोड्यूस तो उस पर्टिकुलर ईयर में 40,000 किए थे बट हमने बेचे उसमें से सिर्फ और सिर्फ 30,000 हैं. दैट मीन्स यहाँ पर आपका एक नोट जाएगा कि बाकी के 10,000 यूनिट्स हमारे लिए क्या हैं, हमारा क्लोजिंग स्टॉक है. सो वी हैव द डिफरेंस हियर, वी हैव प्रोड्यूस्ड 40,000 बट वी हैव सोल्ड ओनली 30,000. दैट मीन्स जो बाकी के आपके 10,000 यूनिट्स हैं वो बन जाएंगे हमारे लिए क्लोजिंग स्टॉक. अब यहां पर दे आर सेइंग कि वी हैव सेलिंग प्राइस ऑफ रुपीज 30 पर यूनिट. आप जो भी बेच रहे हो 30,000 यूनिट्स को, उनका जो प्राइस है वो 30 पर यूनिट है. नाउ दे आर सेइंग कि जो डायरेक्ट मटेरियल रुपीज 5 पर यूनिट है, लेबर आपकी रुपीज 4 पर यूनिट है. अब क्योंकि ये आपको सारी की सारी चीजें पर यूनिट बेसिस पर गिवन है, मींस ये कौन सा एक्सपेंस हुआ, ये कौन सी कॉस्ट हुई, आपकी वेरिएबल कॉस्ट हुई. अगर ये आपको टोटल दिया जाता तब हम इनको फिक्स्ड मान सकते थे, बट क्योंकि इन्होंने यहाँ पर हमें पर यूनिट में दिया है तो ये आपका एक वेरिएबल है. एंड मोर ओवर अलॉन्ग विद दैट, जो मटेरियल, डायरेक्ट मटेरियल और जो डायरेक्ट लेबर होता है वो यूजुअली हमारी एक वेरिएबल कॉस्ट ही मानी जाती है. इसका रीजन ये है कि अगर आप ज्यादा नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस करोगे तो बट ऑब्वियस है आपको लेबर भी ज्यादा चाहिए और मटेरियल भी ज्यादा चाहिए. और अगर आप कम यूनिट्स प्रोड्यूस करोगे इट इज बट ऑब्वियस दैट यू नीड लेस नंबर ऑफ लेबर एंड यू नीड लेसर अमाउंट ऑफ मटेरियल. नाउ दे हैव गिवन द नेक्स्ट एक्सपेंस एज फैक्ट्री ओवरहेड्स. अब फैक्ट्री ओवरहेड्स उन्होंने हमें दो कैटेगरीज में दे दिए. एक उन्होंने बताया है कि वेरिएबल है और एक उन्होंने बताया है कि फिक्स्ड है. वेरिएबल आपको रुपीज 3 पर यूनिट बोल दिया और जो फिक्स्ड है वो 1 लाख है. फिक्स्ड मतलब वो हर एक यूनिट के लिए सेम रहेगा, चाहे आप जितने मर्जी यूनिट्स प्रोड्यूस करो. देन दे हैव गिवन सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स. अगेन वो हमें दोनों अलग अलग कैटेगरीज में दे दिए, वेरिएबल एंड फिक्स्ड आपको अलग अलग दिए गए. सो फ्रॉम दिस इन्फॉर्मेशन अब आपको यहाँ पर इनकम स्टेटमेंट जो मार्जिनल कॉस्टिंग के अंडर उसका जो फॉर्मेट है, यू हैव टू ड्रॉ दैट फॉर्मेट और आपको हर उस आइटम को उसी ऑर्डर में रिकॉर्ड करके आपको अपना नेट प्रॉफिट का मेन सॉल्यूशन निकालना है. कीपिंग द इक्वेशन, द मार्जिनल कॉस्ट इक्वेशन इन माइंड दैट सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू कॉन्ट्रीब्यूशन. और कॉन्ट्रीब्यूशन क्या होता है, फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट माइनस लॉस. सो नाउ आई एम गोइंग टू ड्रॉ द फॉर्मेट ऑफ इनकम स्टेटमेंट अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग. सो द वेरी फर्स्ट अमाउंट जो हम हमेशा इनकम स्टेटमेंट में पोस्ट करते हैं वो होती है हमारी सेल्स. सो वी विल बी पोस्टिंग हियर द वैल्यू ऑफ सेल्स. सेल्स, अब आपने कितने नंबर ऑफ यूनिट्स बेचे हैं, इट इज रिटन ओवर देयर इन द सेकेंड अमाउंट कि हमने 30,000 यूनिट्स बेचे हैं. और उसके नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि आपने एक यूनिट को 30 रुपीज में बेचा है. सो द सेल्स वैल्यू इज 30,000 इंटू 30, ये हमारी सेल्स की वैल्यू हो जाएगी. नाउ व्हाट वी हैव टू डू, हमने इसका टोटल पार्ट लिख देना है और फिर इस वैल्यू को फॉरगेट कर देना है. वी विल बी यूजिंग दिस वैल्यू ओनली आफ्टर कैलकुलेटिंग द टोटल ऑफ ऑल वेरिएबल कॉस्ट्स. ओके, अब इसके बाद हमने निकालना है कि हमारे वेरिएबल कॉस्ट कितनी है, या फिर वी कैन से दिस कि आप अपने वेरिएबल कॉस्ट को मैन्युफैक्चरिंग और सेलिंग में अलग अलग डिवाइड करोगे. इफ यू वॉन्ट यू कैन एड अप ऑल द वेरिएबल कॉस्ट हियर, बट सबसे पहले मैं सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट मटीरियल की कॉस्ट ही एड कर रही हूँ बिकॉज आई वॉन्ट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. सो डायरेक्ट मटीरियल एंड डायरेक्ट लेबर. नाउ द मटीरियल विच वी आर गोइंग टू रिकॉर्ड इज रुपीज 5 पर यूनिट. अब पर यूनिट हमने करना किसका है, बेचे हमने 30,000 यूनिट्स हैं बट प्रोड्यूस हमने 40,000 यूनिट्स किए थे.
अब आपके जो भी ये दोनों एक्सपेंसेस होते हैं मटेरियल और लेबर के, जस्ट कीप दिस थिंग इन माइंड कि ये आपके जो एक्सपेंसेस हैं ये सेलिंग के साथ रिलेटेड नहीं होते हैं। आपने जितने नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस किए हैं ये उसका एक्सपेंस आएगा, नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड का ये एक्सपेंस नहीं होता है। सो वी विल बी मल्टीप्लाइंग इट विद नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, 40,000 इंटू 5 एंड हियर 40,000 इंटू 4, क्योंकि ये दोनों होते हैं आपके प्रोडक्शन के साथ रिलेटेड। आपने मटेरियल का खर्चा किस पे किया होगा? प्रोडक्शन पे किया होगा। लेबर का खर्चा किस पे किया होगा? प्रोडक्शन पे किया है। तो इनका जो पर यूनिट का रेट है वो भी हमेशा नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड के साथ ही मल्टीप्लाई किया जाता है। डन, ये तो आ गए आपके डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर। अब हम इसमें ऐड करेंगे हमारा जो नेक्स्ट एक्सपेंस है वो है फैक्ट्री ओवरहेड्स का। अब हमें जो फैक्ट्री ओवरहेड्स दिए गए हैं वो दो तरह के दिए हैं, एक वेरिएबल है और एक आपका फिक्स्ड है। हमें पता है कि हमने अभी फॉर द टाइम बीइंग यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट को ही रिकॉर्ड करना है। सो आई एम हियर राइटिंग वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड्स। अमाउंट अब आपकी कितनी जाएगी? हमारे पास जो पर यूनिट वेरिएबल ओवरहेड का रेट है वो है ₹3 पर यूनिट, और हमने एक्चुअल में प्रोड्यूस कितने किए हैं? 40,000। सो 40,000 इंटू 3 गोज फॉर योर वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड्स। यहाँ तक अब हमने जितना भी कैलकुलेट किया है वो आ जाएगा आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड। सो यू विल टोटल हियर द टोटल ऑफ दीज थ्री कॉम्पोनेंट्स विल गिव यू कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड। So let's total it out. So now we have the value of cost of goods produced as 4,80,000. अब इसमें आपको as per the format हमने दो चीजें adjust करनी होती हैं so as to get cost of goods sold. एक होता है आपका opening stock of finished goods और एक होता है हमारा closing stock of finished goods. अब यहाँ पर हमारे पास जितनी भी information है as per the question उसके according opening stock की information कहीं पर भी नहीं दी गई है। हमें सिर्फ यूनिट्स के बारे में दो इन्फॉर्मेशन गिवन है कि एक तो आपके पास प्रोडक्शन 40,000 है और सेल्स हमारी 30,000 यूनिट्स की है। कोई भी इन्फॉर्मेशन ऐसी नहीं बताई गई कि प्रीवियस ईयर से आपको कितना स्टॉक आया है। सो वी आर हियर एज्यूमिंग कि हमारा जो ओपनिंग स्टॉक है वो निल है और जितना भी डिफरेंस आ रहा है प्रोडक्शन और सेल्स में वो सिर्फ और सिर्फ हमारा क्लोजिंग स्टॉक ही है। और क्लोजिंग स्टॉक मैंने क्वेश्चन की स्टार्टिंग में ही बताया था, डिफरेंस ऑफ 40,000 एंड 30,000 इज योर क्लोजिंग स्टॉक। तो अब हमने उस क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू को यहाँ पर रिकॉर्ड करना है। रिकॉर्ड कैसे करते हैं? वी हैव टू सबट्रैक्ट दैट आइटम। अब इसको सबट्रैक्ट क्यों किया जाता है? क्योंकि इस स्टॉक को हम अगले साल बेचेंगे, इस साल का ये पार्ट नहीं है, तो इसी वजह से इसकी कॉस्ट को इसमें रिकॉर्ड भी नहीं करना है। नाउ हाउ टू रिकॉर्ड दैट आइटम? हमारे पास जो क्लोजिंग स्टॉक है, अब ये जो क्लोजिंग स्टॉक है इसकी वैल्यू डिपेंड करती है इस 4,80,000 पे। इसी अमाउंट में आपकी क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू इंक्लूडेड है, तो हम इसी के बेसिस पे ही आप क्लोजिंग स्टॉक का एक यूनिटरी मेथड अप्लाई करोगे। कैसे? हमारे पास अभी तक जो टोटल कॉस्ट आई है वो आई है 4,80,000। ये आपकी जो भी कॉस्ट है ये 40,000 यूनिट्स की है। 40,000 यूनिट्स की कैसे? मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स हमने सभी को 40,000 यूनिट्स के लिए ही कैलकुलेट किया है, या फिर ये कह लो कि आपकी जो प्रोडक्शन है वो 40,000 यूनिट्स की ही है। तो 4,80,000 यूनिट्स हमारी 40,000 यूनिट्स की कॉस्ट आई है। हमने निकालनी है कि हमारी 10,000 यूनिट्स की कॉस्ट कितनी है। ये 10,000 कैसे आया? आई हैव मेंशन्ड इन द वेरी स्टार्टिंग, डिफरेंस ऑफ प्रोडक्शन एंड सेल्स इज कॉल्ड योर क्लोजिंग स्टॉक। सो आउट ऑफ दिस कॉस्ट जो 40,000 की है, हम 10,000 की कॉस्ट निकालेंगे और उसको इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे एंड देन वी वुड बी एबल टू कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। सो हियर वी हैव द वैल्यू ऑफ COGS एज ₹3,60,000। अब किसी के माइंड में ये डाउट ना आए सो आई एम क्लेरिफाइंग इट बिफोर, हमने यहाँ पर 40,000 लिया बिकॉज वी हैव सॉल्व द होल क्वेश्चन विद दिस कॉन्सेप्ट। आपको इसमें इस वैल्यू को नोटिस नहीं करना है कि हमने क्वेश्चन की स्टार्टिंग में तो 30,000 लिया था। स्टार्टिंग में लिया था बट वो किसके लिए लिया था? सेल्स के लिए लिया था। अभी ये जो आपकी कॉस्ट है ये प्रोड्यूस्ड की कॉस्ट है और प्रोड्यूस कितने यूनिट्स किए हैं? 40,000 किए हैं। एंड
अलॉन्ग विद दैट आई मेंशन इन द वेरी स्टार्टिंग कि आपको सेल्स की वैल्यू को एक बार लिख के छोड़ देना है. यू नीड टू फोकस एंड यू नीड टू प्ले विद दैट वैल्यू ओनली एट द एंड जब आपकी टोटल वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगी. वी हैव विद अस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड रुपीज 360,000. अब यहाँ पर अगर हम निकाले अपने नेक्स्ट कंपोनेंट, क्योंकि इट हैज डन ओवर हियर, हमारे फैक्ट्री ओवरहेड्स की सारी कॉस्ट कवर हो चुकी है जो वेरिएबल नेचर की है. अब हमें एक नेक्स्ट कॉस्ट दी हुई है, वो है आपकी सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स और उसकी वैल्यू है 1 रुपी पर यूनिट. सो वी विल टेक इट हियर एट सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स. अब ये जितने भी आपके ओवरहेड्स हैं, अगेन वेरिएबल पिक करेंगे, वेरिएबल 1 रुपी पर यूनिट है, सो 1 मल्टीप्लाई बाय. अब यहां पर इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, 30,000 से या फिर 40,000 से. सी सेलिंग ओवरहेड्स है, बट ऑब्वियस है ये सेल्स के साथ रिलेटेड होंगे. सेल्स कितने नंबर ऑफ यूनिट्स की हुई है आपकी, 30,000 यूनिट्स की हुई है. तो इसी वजह से सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स को आप नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड के साथ ही मल्टीप्लाई करो. आपको ध्यान में रखना है कि आपका जो एक्सपेंस है वो किस नेचर का है. अगर वो प्रोडक्शन के नेचर का है तो नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस के साथ मल्टीप्लाई करोगे. अगर वो सेलिंग नेचर का है तो नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड के साथ मल्टीप्लाई करोगे. एंड इवन हमने क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू यहां से निकाल दी हुई है, तो अब हमारे पास जो भी यहाँ पर आया है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आया है वो 30,000 यूनिट्स की ही वैल्यू आई है. एंड सेलिंग का नेचर होता है सेल्स के साथ रिलेटेड, सो 1 into 30,000 वो आपका वेरिएबल नेचर का. इट इज अ वेरिएबल नेचर, नॉट अ फिक्स्ड नेचर. फिक्स्ड का अभी हमने एडजस्टमेंट करनी है. 1 into 30,000 वो हो जाएगी आपकी सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स की कॉस्ट. वी विल एड टू इट. सो यहाँ पर अब हमारी एक वैल्यू आई है ऐड करने के बाद 390,000 और इसको हम बोलते हैं टोटल ऑफ ऑल वेरिएबल कॉस्ट. अब यहाँ से हम निकालेंगे अपना कंट्रीब्यूशन, क्योंकि अब हमारे पास टोटल वेरिएबल कॉस्ट आ चुका है. सेल्स हमने स्टार्टिंग में मेंशन की हुई थी, उनके डिफरेंस को कहते हैं कंट्रीब्यूशन, और फिर हम बाकी के पार्ट्स को एडजस्ट करेंगे. बाकी के पार्ट्स मीन्स फिक्स्ड कॉस्ट को अब आपने एडजस्ट करना है. So I have erased that part, just I am not having any space, but you don't need to erase it. हमारे पास sales starting में लिखी थी, then we are having total variable cost जो हमारी 390,000 है. Depending on it हमने contribution निकाल दिया. Contribution क्या होता है आपका, sales minus variable cost. तो वो आ गया आपका 5,10,000. अब 5,10,000 आपका जो contribution आया है, हमें पता है कि contribution का formula क्या रहता है. Contribution is equal to fixed cost plus profit or loss. अगर contribution में से हम ये component निकाल दें तो हमारे पास ये part रह जाएगा, तो हमने वही निकालना है. So now there is a need to subtract fixed cost, so minus or less fixed cost. अब पूरे के पूरे क्वेश्चन में हमें दो तरह की फिक्स्ड कॉस्ट गिवन थी स्टार्टिंग में क्वेश्चन में. एक हमें गिवन था कि फैक्ट्री ओवरहेड्स हैं वो फिक्स नेचर के हैं, और एक हमारे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स हैं वो हमारे फिक्स नेचर के हैं. सो वी विल बी राइटिंग दैट पार्ट इन आवर क्वेश्चन. फिक्स्ड ओवरहेड्स में फैक्ट्री ओवरहेड्स, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स. I am writing short forms, but you don't need to write. You have to write the full part. Factory overheads है हमारा 1 lakh और जो selling and distribution overheads हैं वो हमें दिए गए हैं 45,000. So 1,45,000 आपका जो total fixed cost है वो component आ जाएगा, subtracted from contribution and you can get profit. So the amount of net profit which we are getting here is 3,65,000. आई एम हेयर पॉइंटिंग आउट कि फिक्स्ड एक्सपेंस हमने ये दोनों यहाँ पर एडजस्ट किए हैं. अब आपको अपने आंसर को कंक्लूड करना है एट द एंड, एंड मोर ओवर एक वर्किंग नोट बनेगा अबाउट द नंबर ऑफ यूनिट्स जो हमने क्लोजिंग स्टॉक के लिए यूज़ किए हैं. सो आई एम प्रिपेयरिंग दैट वर्किंग नोट एंड कंक्लूडिंग माई आंसर. सो हेयर आई हैव कंक्लूडेड माई आंसर इन दिस पैटर्न. यू हैव टू राइट एट द एंड बिकॉज क्वेश्चन में डिमांड किया था कि हमें नेट प्रॉफिट निकालना है. एंड मैंने एक वर्किंग नोट बनाया है कि हमने क्लोजिंग स्टॉक के यूनिट्स को कैसे कैलकुलेट किया है.
यू नीड टू ड्रॉ इट, या तो आप इसको इनकम स्टेटमेंट के विद इन ही ड्रॉ कर दो और यू प्रिपेयर अ सेपरेट वर्किंग नोट फॉर द सेम. सो ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन एट योर ओन. थैंक यू सो मच.